सकीन आली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चा बटी, आप लोग को पता है ऑलमोस्ट सभी के एग्जाम्स डन हो चुके हैं, क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ। और आप लोग को पता है जैसे ओमिक्रॉन बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कर्नाटका हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, और ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह नाइट कर्फ्यूज लग रहा है। तो कई जगह स्कूल्स को बंद किए जा रहे हैं बिकॉज कोविड के इतने केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता हो, ये कोविड की जो थर्ड लेयर है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए किसके लिए हार्मफुल है, तो आप लोग के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 18 से बिलो है। पहली बात तो ये सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए हार्मफुल है ये रिस्क। और आप लोगों को पता है इन सभी के बीच में टर्म टू का क्या होने वाला है, ये कुछ सिनेरियो नहीं चल रहा है। बट हाँ, CBSE ने एक चीज़ आप लोग को बताई है कि आप लोग का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो आने वाला है न्यू ईयर के बीच में, है ना। न्यू ईयर तो हो जाएगा जनवरी में, तो 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। ये CBSE ने ऑफिशियल नोटिस में आप लोग को बता दिया। अब आप लोग फ्री भी हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं। आप लोग गेम्स फोन या लैपटॉप पर तो खेलते ही होंगे, कभी आपने गेमिफाइड बैटल दी है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होता है दी, तो एक गेमिफाइड बैटल जहां आप लोग थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर रहे होंगे, और वहां आप लोग को अपने परफॉर्मेंस में समझ आएगी कि आपको कौन सी परफॉर्मेंस पे लाइज करे। साथ ही साथ जहां जीतने पे आप लोग को मिलेगा 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ मेरिट सर्टिफिकेट जीतने का मौका। ये गेमिफाइड बैटल हर संडे होती है, तो इस संडे आप जरूर इस गेमिफाइड बैटल में इनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दी गई है, क्लास 6 से लेकर 12th वाले सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग को 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इसके लिए आप लोग को 45 से लेकर 60 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। तो क्लास 6 to 8 वालों की टाइमिंग है 12 बजे, क्लास 9th और 10th वालों की टाइमिंग है 11 बजे, और क्लास 11th और 12th की टाइमिंग है 1 बजे रहने वाली। तो बच्चों, किस चीज़ की देरी है, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 6 से लेकर 12th वाले सभी बच्चे इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों, टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। हमें नहीं पता है किस टाइप से टर्म टू होने वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा नहीं होगा, तो आप लोग हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, अगर आप लोग 12 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेस करते तो आप लोग को मिलता है यहाँ कम्प्लीटली 4 मंथ्स फ्री। और अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं सकीन आते, इस पर आप लोग को हर सब्सक्रिप्शन पर मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ ही साथ बच्चों, मैंने फ्री लाइव क्लासेस में आप लोगों को क्लास 10th वालों का साइंस का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्विज भी ले लिया, टेस्ट भी ले लिया, तो आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को बैटल में आज इनरोल करना है, संडे की बैटल में, तो आप उसके लिए भी मेरा कोड लगा सकते हैं सकीना। बच्चों, जिस टाइप से कुछ स्टेट्स की हालत चल रही है कि वहाँ ओमिक्रॉन आ चुका है, नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, तो ये टाइप देखते देखते हमें ये लग रहा है कि हम लोग 2021 में वापस से चले जाएंगे, जहाँ आप लोग के सीनियर्स एग्जाम्स कैंसिल हुए थे। बट मेरी मानना है कि एग्जाम्स कैंसिल हो रहा कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्जाम्स कैंसिल हुए थे और उनकी परफॉर्मेंस जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, बच्चों की इंटरनल्स के हिसाब से मार्क्स दिए गए थे और 10th 12th 10th 11th के हिसाब से मार्क्स दिए गए थे, तो बहुत सारे बच्चे नाखुश थे। तो हम चाहते हैं यार, जो भी अगर सिचुएशन नहीं ठीक रही थी उस टाइम तक, तो CBSE और बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट्स का ऑनलाइन एग्जाम ले लें एटलीस्ट, अगर नहीं ले पाते। बट एग्ज़ाम कैंसिल करवाना बच्चा कोई उम्मीद नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था आप लोग के सीनियर्स के साथ। तो हम यही चाहते हैं कि अगर सिचुएशन ठीक ना रहे, आप लोग के फेवर में ना रहे, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो जाए CBSE। और CBSE ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया बच्चों के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्या एग्जाम है देने होने वाले। 90% चांस है कि आप लोग के सब्जेक्टिव ही होंगे, बट इन केस अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कोविड की थर्ड लेयर बहुत ज़्यादा आ जाती है और आप लोग की कंडीशन में फेवर में नहीं रहता है कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, तो आप लोग ये सोचिए कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, फिर आप लोग के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। तो जिस टाइप से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मान के चलिए हमें दोनों हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। CBSE नहीं पता है, CBSE को भी और हमें भी नहीं पता है कि मार्च तक जब आप लोग के एग्जाम्स होने वाले, तब तक क्या कंडीशन रहती है। तो चलिए, पढ़ते रहिए और सभी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और फ्री लेक्चर्स देख सकते हो क्लास 10th 12th के। यूज़ माय कोड सकीना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।